नमस्कार दोस्तों, मायापुरी में जिंदा दिली कभी कभी अदिति के शो में आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने ऐश्वर्या राय, सनी देओल और ना जाने ऐसे ही कितने कलाकारों के अभिनय सफर की शुरुआत करवाई। हम स्वागत करते हैं बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक राहुल रवेल जी का। बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक एचएस रवेल की साय में बड़े हुए उनके बेटे राहुल रवेल बचपन से ही परमाणु भौतिक विज्ञान की पढ़ाई करना चाहते थे, पर एक लम्हे ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। 1980 में उन्होंने अपना करियर फिल्म गुनेगार से शुरू किया था। उनकी पहली दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं, पर कुमार गौरव के साथ की हुई फिल्म लव स्टोरी से उनकी गाड़ी चल पड़ी। उन्होंने सनी देओल, काजोल, ऐश्वर्या राय बच्चन, अमृता सिंह जैसे कई नए चेहरे इंडस्ट्री को दिए और माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, ऋषि कपूर जैसे कलाकारों के साथ काम किया। अभी तक राहुल ने 17 फिल्म्स और 2 टीवी सीरियल्स का निर्देशन किया है। उनकी आखिरी फिल्म 2007 में बुढ़ा मर गया आई थी। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल जी। तो सर, जितना कि मैं आपके बारे में जानती हूँ उससे मुझे ये पता है कि आपके पिताजी अपने दशक के एक मशहूर निर्देशक हुआ करते थे जी। पर आपका शुरुआती दिनों में इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो ऐसा कौन सा लम्हा था जब आपने सोचा कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? देखिए, चिंटू ऋषि कपूर जो है वो मेरे बचपन का दोस्त था। हम नर्सरी स्कूल में थे तब से एक साथ। अच्छा। दोस्ती थी जी। तो मेरा नाम जोकर की सर्कस की शूटिंग शुरू हो रही थी और मेरी छुट्टियां थी, मेरा स्कूल खत्म हुआ था, तो उन्होंने ऐसे ही फोन किया कि चल सर्कस के शूटिंग पे चलते हैं, रेस्टोरेंट आएंगे। तो जब मैं वहाँ पर गया तो शूटिंग पर मैं जा चुका था पहले, तो वहाँ जब मैंने राज साहब को देखा था और किस तरीके से वो सारा यूनिट हैंडल कर रहे थे, बस वो एक विजिट ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी पूरी। तो राज कपूर जी की ऐसी कौन सी एक बात थी जिससे आपको बिल्कुल लगा कि इंस्पायर्ड हो गए आप, आपको प्रेरणा मिली उस बात? देखिए, राज कपूर जी की एक बात तो कोई भी नहीं पकड़ सकता, एक ओवरऑल जीनियस जो मैं मानता हूँ फिल्म मेकिंग के बारे में। बिल्कुल, राज कपूर से बेटर कोई आदमी नहीं जी। वो जितना जानते थे, जितना उनका इंस्टिंक्ट था, जितनी पहचान थी, वैसा कोई आदमी ना पैदा हुआ है, ना मेरा ख्याल है कोई पैदा होगा। बिल्कुल सही बात है आप जी। जी, तो एक बात ये थी कि आप अधिकतर नए लोगों को लेकर आते थे, आपने ऐश्वर्या राय, काजोल, सनी देओल सबका आपने डेब्यू फिल्म किया, पर कभी आपको ये नहीं लगा कि आप इन कलाकारों को ले रहे हैं, नए चेहरों को ले रहे हैं, तो आपके करियर के लिए वो एक रिस्क हो सकती थी कि फिल्म चलेगी, फिल्म नहीं चलेगी, लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो क्या सोचते थे आप? देखिए, इनिशियली तो ये था कि मेरे को प्रोड्यूसर ने फिल्म डायरेक्ट करने का बुलाया जिसमें धर्म जी थे, उनकी फिल्म में सनी था जी, तो वो रिस्क तो दूर मतलब कोई था नहीं मेरे दिमाग में। वो टाइम था कि मुझे काम चाहिए था और कुमार गौरव के साथ करके, फिर सनी के साथ करके, फिर मुझे लगा कि नए लोगों को लेके काम करना इजियर है, तो आप उनको ढाल सकते हैं। करेक्ट, तो अपने हिसाब से फिर बना सकते। आपका जैसे फिल्मी बैकग्राउंड रहा है, आपके पिताजी निर्देशक थे, तो कभी आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा, कोई मुश्किलें आई आपके सामने फिल्म इंडस्ट्री में, या फिर सब आसान सा था? देखिए, आसान तो कुछ नहीं होता लाइफ में, कठिनाइयां मुश्किलें सबको आती हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, बट यू हैव टू फाइट दोस। तो ऐसे बहुत सी चीजें हुई हैं जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको ओवरकम करना, तो वो तो चलता ही रहता है। कौन सी आपको ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जो आपने कठिनाई थी वो पार की? बहुत कठिनाई पार की है, तो एक सिंगल कठिनाई करना बहुत मुश्किल है। जी जी जी। आपका एक एक्टिंग स्कूल भी जी हुआ करता था जो कि बंद हो गया, क्या क्या कारण था उसका?
देखिए, मेरा स्कूल जो था वो कोलैबोरेशन था एक अमेरिकन स्कूल के साथ जी, बहुत ही पॉपुलर एक्टिंग स्कूल है वहाँ पर, स्टेला एडलर एकेडमी। तो जो फीस थे मुझे कॉम्पिटिटिव रखने थे, क्योंकि यहाँ पर फीस के हिसाब से करना था, लेकिन लोगों ने यहाँ पर क्योंकि एक स्कूल खुल गया तो लोगों ने अपने फीस काटने शुरू कर दिए, तो मेरे लिए वो नॉन अफोर्डेबल हो गया। और फिर डॉलर की प्राइस, जब मैंने स्कूल शुरू किया था तो तभी 42 रुपीस था, फिर डॉलर बढ़ता गया और उनको रॉयल्टी देना था मेरे को डॉलर में, तो वो फर्क पड़ गया। जी, अभी जो चलन चला है, चाहे कोई बड़ा सितारा हो चाहे कोई बड़ा निर्देशक हो, हर कोई वेब सीरीज के क्षेत्र में उतर रहा है, यूट्यूब पर, नेटफ्लिक्स पर, सबको वीडियो बनाने हैं या फिल्म्स बनानी है। तो ये बात जो है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को किस तरह से प्रभावित कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है? जरूर कर सकती है, ये एक नया एवेन्यू जो खुला है एक फिल्म मेकर के लिए, बहुत ही एडवांटेजेस है। क्योंकि आपको जो कहना है, जो एक्सप्रेस करना है, आप खुल के कर सकते हैं। और ये है कि आपको जरूरी नहीं फिल्म 2 घंटे ही करनी है, 2.5 घंटे करनी है, बिल्कुल आपको 5 घंटे करना है, 8 घंटे करना है, फिर सेंसरशिप नहीं है। मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ कि ये लोग मिसयूज नहीं करें, लेकिन बहुत ही कहानियां हैं जो अडल्ट कहानी होती है, तो वो सब फिर आदमी अभी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में फिल्मों में ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है, या ये कहें कि ऑडियंस ज़्यादा समझदार हो गई है, मैच्योर हो गई है, वो सिर्फ ये नहीं कि मसाला फिल्मों से देखनी है, वो अच्छे टॉपिक्स पर भी फिल्मों को जो है देखना चाहती है बड़े पर्दे पर। तो ये कितना चैलेंजिंग रहेगा निर्देशकों के लिए या अभिनय जगत के लिए? देखिए, ये नहीं कि वो जो मसाला पॉट बॉयलर्स हैं नहीं देखेंगे, वो भी देखेंगे, लेकिन मैच्योरिटी आ गई है तो वो कंटेंट वाइज जो फिल्में हैं उस पर भी ध्यान जाती है। तो अच्छा ये हो गया कि हर किस्म की फिल्म बना सकते हैं, पर अभी सब डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या होगा। जी। जो जिसको आप मसाला फिल्म कहते हैं उनका कंटेंट और उनका एक मजा अलग ही है, बिल्कुल। तो वो फिल्में क्या है, वो सब बहुत बड़े स्केल की हो गई, क्योंकि वो स्केल तो फिर इतना बड़ा हो जाता है कि आप एंजॉय नहीं करेंगे वो कहानी। तो ये एडवांटेज बहुत हो गया कंटेंट फिल्मों का भी। आप अभी ज्यूरी में भी हैं अपने फिल्म नेशनल फिल्म की, तो उसमें आप क्या पैमाना रखते हैं स्टोरीज को सिलेक्ट करने का, फिल्म्स को सिलेक्ट करने का? देखिए, नेशनल अवार्ड में ये है कि एक तो आप फिल्में देखते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस की और बहुत अच्छी फिल्में देखने मिलती हैं, तो उसमें चुनना कि भाई बेस्ट फिल्म कौन सी है, बेस्ट एक्टर कौन सा है, ये एक सब्जेक्टिव बात होती है, जो जूरी मेंबर्स है वो मिलकर डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। और जिस काम के लिए मैं अभी आया हूँ वो है इंडियन पैनोरमा के लिए, ये वो फिल्में हैं जो 21 हिंदुस्तान में बनी हुई सबसे अच्छी फिल्म है जो एक फॉरेन ऑडियंस को दिखाई जाएगी और अलग अलग फेस्टिवल में भी भेजेंगे जी। तो इसके लिए फिल्में उस किस्म की देखनी जो एक अपील करें दूसरी ऑडियंस को जी। आपने फिल्मों के साथ साथ टीवी में भी निर्देशन किया है, तो क्या अंतर होता है दोनों को जब आप निर्देशित करते हैं टीवी सीरियल या फिल्मों को, तो क्या अंतर लगता है आपको? देखिए, जो डिफरेंस है वो मेनली ये है कि आपकी फिल्म दिखाई किस पे जाने वाली है, टीवी पे या फिल्म पे जी। को आज का जमाना आ गया जो फिल्में आपकी टेलीफोन पे दिखाई दे रही है जी, तो आपको अपना पूरा कॉन्सेप्ट और विजुअल जो है क्वालिटी वो चेंज करना पड़ेगा उसके हिसाब से कि ये इसमें ठीक लगेगा और उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये फैसला आपको करना पड़ता है।
जितने भी कलाकारों के साथ आपने काम किया, आपने सबसे ज्यादा फिल्में सनी देओल के साथ में की है, तो उसका कारण था कुछ या फिर क्या बात थी? सनी की क्योंकि मैंने पहली फिल्म की थी जी, बेताब, हाँ बिल्कुल, तो उसमें एक रैपो बन गया था, कि अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, तो वो हो गया कि भाई कहानी आ रही थी, सनी शूट कर रहा था, सनी के साथ कर रहा था जी। अभी के अभिनेताओं में से आप जो यंग अभिनेता, नए चेहरे, विकी कौशल, राजकुमार राव जैसे जो लोग आ रहे हैं, इन सब में से आपका पसंदीदा कौन है? आपको लगता है कि ये आगे जाकर बहुत अच्छा करने वाले हैं सिनेमा में? देखिए बहुत इसमें एक्टर हैं, जैसे विकी है, आयुष्मान खुराना है जी, ये सब बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं जी जी, और ये डेफिनेटली आगे जाके, तापसी पन्नू है और लिस्ट खत्म नहीं होता ऐसे तो ऐसे बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, एक्टर अच्छे हैं जी। तो आपका आपने निर्देशन करना शायद तक रोक दिया है, तो क्या है आपका आगे प्लान जिंदगी का? फिल्म तो बनानी है, पक्की बनानी है बिल्कुल, क्या है, लेकिन अभी ये जो ये फेस्टिवल वगैरह कुछ गवर्नमेंट के काम कर रहा हूँ मैं, काफी जगह लेक्चर देता हूँ फिल्म मेकिंग पे जी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अपने एक्सपीरियंस आदमी शेयर करे तो उससे अच्छी बात नहीं होती, ताकि लोगों को पता लगे, ऐसे ही लोगों का नॉलेज बढ़ता है, और जितना आपने सीखा हो, आदमी कोई आदमी पूरा नहीं सीखता बिल्कुल, लेकिन जितना आपने सीखा हो वो आप किसी और को बता रहे हैं, आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर, वेरी ट्रू। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नए जो निर्देशक आ रहे हैं, एक क्या सलाह आप उनको देना चाहते हैं? देखिए नए निर्देशक जो हैं, जो काम कर रहे हैं, कई लोग तो ऐसा काम कर रहे हैं जिसको आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं कभी नहीं सोच रहा इस ऐसे करेंगे फिल्में, तो इनको ये चीज कैरी ऑन करनी चाहिए कि जो इनको लगता है सही है ये वो कैरी ऑन करे, ये नहीं करे सोच के कि यार ये चलेगा और एक्टर ये कह रहा तो ये कर लूं, और वो फिर वहां पर आदमी बैठ जाता है, जो आपकी अपनी कन्विक्शन है, और टैलेंट जो है वो ऐसी चीज है जो कभी मरती नहीं है, ठीक है आपकी फिल्म नहीं चली, एक नहीं चली, लेकिन टैलेंट विल ऑलवेज स्टे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बातचीत करने में मुझे भी बहुत कुछ सीखना मिला, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी काफी कुछ इससे सीखा होगा।